रूपनगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। नमस्कार, मी ऋतुजा, नगर न्यूज 24 मध्ये आपले स्वागत। नागोरी मुस्लिम मिसगर जमा ट्रस्टच्या बनावट विश्वस्तांकडून लोकांची दिशाभूल, अध्यक्ष युनुस सुलतान तांबटकर यांचा आरोप। नागोरी मुस्लिम मिसगर जमा ट्रस्ट संचलित एम इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आज दिनांक 17 मे रोजी एम इंग्लिश मीडियम शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी यांच्या पालकांची मीटिंग आयोजित करण्यात आली होती। या मीटिंगमध्ये पालकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती अध्यक्ष युनुस सुलतान तांबटकर आणि सचिव इम्रान शफी अहमद शेख यांनी दिली। तर या मीटिंगमध्ये पालकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली, पालकांची गैरसमज दूर करण्यात आली, तसेच काही बनावट व बोगस लोक स्वतःला विश्वस्त म्हणून पालकांची व समाजाची दिशाभूल करत आहेत, त्या संदर्भात पालकांना खात्रीपूर्वक उत्तर विश्वस्तांकडून देण्यात आले। तसेच काही बनावट व बोगस लोकांकडून शाळेचे नुकसान होत आहे तेही दाखवण्यात आले। तर एम इंग्लिश मीडियम शाळेचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना कसा ते लोक त्रास देत आहेत हे देखील पालकांना दाखवण्यात आले। आज नागोरी मुस्लिम मिसगर जमात ट्रस्ट की तरफ से एम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के अंदर आज इसके लिए बुलाए थे पेरेंट्स को कि जितने अफवाह पेरेंट्स के अंदर अहमदनगर में फैलाए जा रहे हैं कि भाई ये एम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल के ताल्लुक से कि भाई स्कूल को मान्यता नहीं है, ये स्कूल की परमिशन नहीं है, ये बच्चों का नुकसान होगा या बच्चों का एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा या बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा या दूसरे स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा, ये सब अफवाह है। अभी तक आपको मैं बोलता लीगल तरीके से कोई भी शिक्षण मंडल ने अभी तक कोई भी ऐसा पत्र नहीं दिया कि हम स्कूल बंद करें या बच्चों का एडमिशन ना करें या हम बच्चों को नहीं पढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पेपर में 2-4 दिन पहले जो न्यूज़ किसी ने डाला था, वो रेहान काजी इनाम खान, इन्होंने झूठी न्यूज़ डाले थे पेपर के अंदर, कोई ये बस पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए न्यूज़ डाले थे इन्होंने। शिक्षण मंडल या हो गए या शिक्षण अधिकारी हो गए, इन्होंने कोई भी तरीके की ऐसी कोई भी नोटिस नहीं दिए कि भाई जिससे स्कूल का नुकसान हो या स्कूल बंद होंगे। और आपको मैं बात ये करता हूँ कायदे की, क्या शिक्षण के मामले में कायदा ऐसा है किसी को भी स्कूल बंद कराने का अधिकार नहीं है। और रही बात आपको मैं बोलता हूँ, क्या अगर आप वाकई में स्कूल चलाना चाहते हैं, हम आपको बता दें बच्चों को आप देखो इतना अच्छा डेवलपमेंट है हमारे स्कूल में, जितने भी टीचर्स हैं जितना भी हमारा स्टाफ है ये सब वेल एजुकेटेड है और ये काफ़ी बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं एजुकेशन के लाइन से। और आपको मैं बता दूं, क्या अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो आप एजुकेशन के ताल्लुक से काम करो ना। ये झगड़ा जो है ये ट्रस्ट का झगड़ा नहीं है। किसी ने मुझे सवाल किया था कि भाई ये झगड़ा ट्रस्ट का है, आपका झगड़ा है, आप मिटा के लो, बच्चों का नुकसान हो रहा है। ये झगड़ा ट्रस्ट का नहीं है, झगड़ा है ये सिर्फ मिसगर और नॉन मिसगर का। ये अभी से नहीं है, ये पहले से है। ये मिसगर जो है इनको ऐसा लगता नॉन मिसगर ने हमारे इदारे में रहना ही नहीं, तो फिर बच्चों ने क्यों रहना? सिर्फ मिसगर के बच्चों को पढ़ाओ ना, तुम आज तुम्हारे इदारा है तो तुमको इतनी भी इदारे की है। तो फिर जब तुम्हारे पास 98% बच्चों का एडमिशन नॉन मिसगर का है तो फिर तुम्हारे को स्टाफ से क्या प्रॉब्लम है? ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने आसिफ सर हमारे जो प्रिंसिपल थे उनको तकलीफ दिए, रेहान काजी इन्होंने, हमारे इलियास सर है इनको तकलीफ दिए, हमारे वसीम सर है इनको तकलीफ दिए, पिछले 2 साल से फैजान सर को और हमारे पूरे स्टाफ को तकलीफ दे रहे। सिर्फ तकलीफ इसके लिए दे रहे कि कोई परमिशन का कोई इशू नहीं है ना एजुकेशन का कोई इशू है, सिर्फ इशू इतना है कि नॉन मिसगर है। झगड़ा सिर्फ ये चाहिए कि भाई नॉन मिसगर ये इदारे में नहीं होना। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं होना? जब तुमको इतनी बिगड़ है तो पूरे 100% बच्चे तुम्हारे भरो ना। यहाँ पर एजुकेशन है, एजुकेशन की बात करो और किसी को कोई अधिकार नहीं है। आज हम जो काम कर रहे हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से काम कर रहे हैं, जितने भी ट्रस्ट के और स्कूल के अकाउंट है वो सब हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमारे साइन के थ्रू ऑपरेट होता है। इसमें ना रेहान गाजी की कहीं सही चलती है ना इसमें इनाम खान की इनकी बॉडी की कहीं सही चलती है, ये लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ये लोग सिर्फ वो इदारे में आते हैं और ये सिर्फ एक वॉचमैन के तरीके से तौर से आते हैं और वापस चले जाते हैं। इनका दूसरा इनके हाथ में एक भी पावर नहीं, एक भी राइट नहीं है इनके पास। इन्होंने बता देना मेरे को एक कागज़ के हमारे पास ये राइट है कि हम किसी का पेमेंट निकाल सकते, कोई टीचर का निकाल सकते, या हम भाड़ा ले सकते, या हम मस्जिद के इमाम को पेमेंट दे सकते, या हम मदद दे सकते। इन्होंने एक कागज मेरे को लाके बता देना, मैं ट्रस्टिंग के हवाले कर दूंगा। इसम म्हणून आम्ही तुम्हाला खुलासा केलेला आहे। कालच्या नवा मठामध्ये रेहान शफी काजी आणि इनामुल्ला खान यांनी पेपरमध्ये एक जाहीर नोटीस दिली आणि यातमध्ये सांगितलं की मिसगर एज्युकेशन बोर्ड म्हणून अशी कोणतीही संस्था अस्तित्वात नाही, नव्हती आणि भविष्यात पण होणार का नाही मला माहीत नाही, परंतु आज ती नाही। परंतु
हे खोटं बोल पण रेटून बोल अशी यांची ही पद्धत आहे. यांनी मला त्याचा नोंदणी क्रमांक दाखवावा, मी आज राजीनामा देऊन टाकेन. परंतु हा खोटाडे लोक आहेत. रेहान शफी काझी, इनामुल्ला खान व त्यांची जी काही टीम आहे, ए टीम, बी टीम, सी टीम, जी काही असेल, जे मागचे पुढचे गुंडे सांडे सगळेत, यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. यांनी याची नोंद घ्यावी. आणि विशेष करून आज आम्ही त्याचा मोठ्या प्रमाणात खुलासा केला. मुख्यमंत्री साहेबांनाही पत्र दिलेलं आम्ही, का ही लोक हे शिक्षण मंडळ आमचं शाळा हे बंद करण्याच्या मागं लागलेली आहेत, यांना बहुतेक कायदा माहीत नसेल. रेहान शफी काझी याची स्वतःची संस्था बंद पडली, तो चालू शकला नाही. परंतु तिथलचे जे विद्यार्थी होते, ते संस्थेचे शाळेतले विद्यार्थी होते, त्या विद्यार्थ्यांना दुसरीकडे ट्रान्सफर करण्यात आलं, शिफ्ट करण्यात आलं. त्याची सरकारची जबाबदारी होती. आमची शाळा बंद करणे हे आमच्या हातात नाही. त्याचप्रमाणे रेहान शफी काझीलाही अधिकार नाही शाळा बंद करायचा. आमची रीतसर परवानगी तर सगळं चालू आहे. मागचे जे विश्वस्त होते त्यांनी ती दाखल केलेली आहे, आम्ही दाखल केलेली नाही. मागील 2-2.5 वर्षापासून आम्ही कामकाज करत आहोत. एकदम उत्तम पद्धतीने सगळं काम चालू आहे. फैजान सर चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. ठीक आहे, परवानगी जे ज्या काही आहेत त्या टेक्निकल गोष्टी आहेत, ते रुटीन चालू आहेत. मगर सरकारने किंवा गव्हर्नमेंटने म्हणा किंवा कोणत्याही कोर्टाने किंवा न्यायालयाने तुम्ही शाळा चालू शकत नाही असा कोणताही आदेश दिलेला नाही, हे याची मी जाहीर खुलासा करत आहे. परंतु रेहान शफी काझी यांनी पेरेंट्सला किंवा त्यांच्या पालकांना कोणत्याही प्रकारची दिशाभूल करून लोकांना फसवणूक करू नये, अशा खोट्या जाहिराती देऊ नये. त्याचे आमच्या तुमच्या माध्यमाच्या माध्यमातून मी त्यांना सांगू इच्छितो का, त्यांच्यावर मी लवकरच कायदेशीर कारवाई करणार आहे. बस एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रतिनिधी अजर सय्यद, नगर न्यूज 24, अहमदनगर. नवीन बातम्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.